बुराई पर सच्चाई का प्रतीक विजयादशमी का पर्व शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव पर शनिवार को पटेल मैदान में दशानंद की पुतले का दहन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने किया और धू धू कर बुराई का प्रतीक रावण का 65 फीट ऊंचा पुतला, 45 फीट कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ। पटेल मैदान में दशहरा उत्सव देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां मीडिया से वार्ता के दौरान देवनानी ने कहा कि आज देश प्रदेश में अहंकार रूपी दशानंद रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय की जीत होना है। वहीं कार्यक्रम के दौरान नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, एसपी कलेक्टर समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे। पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले दहन करने से पूर्व दोपहर में अग्रवाल पंचायत घसेटी धड़ा रघुनाथ मंदिर से भगवान श्री राम की सवारी बैंड बाजे घोड़ी व बग्घी के साथ भव्य रूप से निकाली गई। सवारी विभिन्न मार्गों से होते हुए देर शाम पटेल मैदान पहुंची, जहां श्री राम की सवारी का भव्य स्वागत किया गया। राम जी की सवारी के आगे आगे माँ काली का अखाड़ा चल रहा था, इसके बाद भव्य आतिशबाजी की गई। अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में हजारों वर्ष के बाद भी आज विजयदशमी का उत्सव मना रहे हैं और रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का वास्तव में ये तो पुतले हैं, लेकिन वास्तव में जीवन का अहंकार, लालच, छलकपट वो जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक रावण नहीं चलेगा। आज कहा जा रहा है रावण इतने हो गए कि तेरे राम कहाँ से लाए, फिर मैं आम जन से अपील करूँगा आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के रावण रूपी इन कुरीतियों को और इन भावना अहंकार को हम लोग समाप्त करें और अजमेर के विकास में, राजस्थान के विकास में हम लोग सहभागी बने, तथा मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह एक श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ परिवार यहाँ पर रचना हो, ताकि हम सब लोग एक अच्छे वातावरण में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सहभागी बने।